कुछ लोग कहते हैं कि तकवा सिर्फ दिल में होता है, दाढ़ी रखना कोई ज़रूरी नहीं होता। मेहरबानी रहनुमाई फरमाएं, तकवा असलन दिल में होता है, लेकिन दिल में जो बात होती है उसका असर पूरे जिस्म पर होता है। अगर दिल में तकवा है तो दाढ़ी भी रखेगा इंसान, इसलिए कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया इसका, क्योंकि हुक्म दिया है। अगर सिर्फ हुजूर ने दाढ़ी रखी होती हम कह सकते थे कि ये तो इसलिए आपने रखी कि जो चूंकि अरब में तो इसका रिवाज था, सब लोग रखते थे, इसलिए हुजूर ने रखी। जैसे हुजूर तहबंद बांधते थे, शलवार आपकी खिदमत में पेश की गई हदीयतन, ईरानी शलवार, आपने तारीफ की उसकी कि यह अच्छा लिबास है, ये सातिर है ज्यादा, यानी तहबंद में तो आदमी का इम्कान होता है रात को सोया हुआ नंगा हो जाए, लेकिन शलवार में जाहिर बात है नंगा तो नहीं होगा ना, तो ये ज्यादा सातिर है जिस्म को ढांपने में, ये ज्यादा मुफीद है, ज्यादा सही ली। आपने पहनी नहीं शलवार, इसलिए आपको आदत नहीं थी शलवार पहनने की, आपको तो तहबंदी की आदत थी, वही आप पहनते रहे। इसीलिए हम कहते हैं सुन्नत आदत, एक काम हुजूर करते थे आदतन, उसकी पैरवी आपके लिए लाजिम नहीं है। अगर करेंगे तो सवाब मिलेगा कि हुजूर की मोहब्बत की वजह से आप आदतन भी वो चीजें इख्तियार कर रहे हैं जो हुजूर आदतन करते थे, लेकिन लाजिम नहीं है। लेकिन जहां हुजूर कोई काम करते थे साथ हुक्म भी दे दिया, अब ये आपके लिए लाजिम हो गया। दाढ़ी सुन्नत मुअक्कदा में है, उसके ऊपर अमल होना चाहिए। आपने फरमाया कि एफुल लोहा व कस्सु शवारिब, दाढ़ी बढ़ाओ और मूछे कतराओ।